गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी एजुहब ऑनलाइन क्लासेज। हम 11वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनिज्म कोशिकांग पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो था वो ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हमने पढ़ लिया है। सेकंड आज जो हम पढ़ेंगे वो गोल्गी बॉडी, गोल्जी कॉय। नॉर्मल इंट्रोडक्शन और इसके फंक्शंस हम देखेंगे। गोल्गी बॉडी जो है इसकी खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। इसी के नाम के आधार पर, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही कैमिलो गोल्जी, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा गोल्जी कॉय, गोल्गी बॉडी। 1898 में, 98 के अंदर इसकी खोज की। गोल्जी कॉय की खोज जो है, या गोल्जी कॉय को सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा था। उल्लू जो होता है उसकी नर्व सेल्स जो होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, उसके अंदर सर्वप्रथम इसको देखा। देखने के बाद कैमिलो गोल्जी ने इसके बारे में बताया कि गोल्जिकाय जो होती है वो एकल झिल्ली युक्त होती है। इस चीज़ को समझेंगे हम। जैसे सबसे पहले कोशिका जो होती है, इसमें जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, वो कोशिकांग जो होते हैं वो झिल्ली युक्त कोशिकांग या फिर झिल्ली विहीन कोशिकांग हो सकते हैं। यानी कि कोशिका जो है उसमें पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं उसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, कुछ होते हैं जिनमें नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर जो कोशिकांग होते हैं उनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती, कोशिका विहीन कोशिकांग, जैसे राइबोसोम होता है। दूसरा, जिसके चारों तरफ एकल झिल्ली, सिर्फ एकल पतली झिल्ली का आवरण पाया जाता है, वो एकल झिल्ली युक्त होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हम पढ़ रहे हैं। गोल्जिकाय जो होता है इसके चारों तरफ जो आवरण है वो एक गहरी झिल्ली से होता है। दूसरा, नेक्स्ट जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हो सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। तो यहाँ पर गोल्गी बॉडी जो है, गोल्जिकाय, वो एकल झिल्ली युक्त होता है, यानी कि इसके चारों तरफ जो आवरण है वो एकल झिल्ली का बना होता है। गोल्जिकाय जो होता है ये कौन सी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, कौन सी में नहीं होता, कोशिकाओं के प्रकार हमने पढ़े हैं पहले, फर्स्ट में पढ़े थे इस चैप्टर के, कि कोशिकाएं जो होती हैं वो केंद्रक की विकसितता के आधार पर, केंद्रक उसमें कैसा पाया जाता है इसके आधार पर दो टाइप थे। पहला प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर गोल्जिकाय अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जाता। वहाँ भी हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर वे कोशिकांग पाए जाते हैं जो झिल्ली विहीन होते हैं, और यहाँ गोल्गी बॉडी जो है उसके चारों तरफ तो झिल्ली पाई जाती है, इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित, एब्सेंट होती है। पाई किस में जाएगी? यूकैरियोट कोशिकाएं जो होती हैं उसमें ये उपस्थित रहती है। इसके उपनाम है, दूसरे नामों से भी इसको जाना जाता है, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम या फिर जालिकाय। दूसरा जो नाम है वो लाइपोकॉन्ड्रियन। मुख्य रूप से इसको गोल्गी बॉडी कहा जाता है। इसका व्यास जो होता है वो 0.5 टू 0.1 म्यू एम, यानी कि 0.5 से 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये केंद्रक के पास उपस्थित होती है, कोशिका द्रव में उपस्थित है लेकिन सटी हुई रहती है केंद्रक से। फंक्शंस, इसके कार्य, गोल्गी बॉडी जो होती है इसका कार्य लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम जो होता है ये भी कोशिकांग है, कोशिका के कोशिकाद्रव में पाया जाता है, जिसका निर्माण किससे होता है, पूछा जा सकता है लाइसोसोम का निर्माण होता किससे है, किससे होता है? गोल्गी बॉडी से। गोल्गी बॉडी जो होती है इसकी वेसिकल्स जो पाई जाती हैं, इसकी संरचना के अंदर हम पढ़ेंगे वेसिकल, वेसिकल जो पाई जाती है उसके अंदर फैट, वसा, प्रोटीन, इसका संचय होता है। यानी कि कोशिका में बनने वाली फैट और प्रोटीन जो होती हैं वो जाकर किस में संचित होती हैं? गोल्गी बॉडी की वेसिकल्स के अंदर। कोशिका का विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन, उसमें सेल प्लेट का जो निर्माण होता है, कोशिका विभाजन जो है इसमें दो पार्ट हैं। पहला केंद्रक विभाजन होता है, सबसे पहले कोई भी जो कोशिका होती है, जैसे कोशिका है
इसमें ये केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक दो भागों में बढ़ता है। सबसे पहले किसका डिवीजन होता है? केंद्रक का। केंद्रक कितने भागों में बटा? दो भागों में बट गया। केंद्रक दो भागों में बटने से केंद्रक जो है वो एक कोशिका के अंदर कितने हो गए? दो हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कोशिका जो है उसके बीच में कोशिका द्रव जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है और इनके मध्य एक लेयर का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो गया लेयर। इस लेयर को ही बोलते हैं सेल प्लेट, कोशिका पट्टिका। इस सेल प्लेट की वजह से दोनों कोशिकाएं जो होती है वो बीच में से दो भागों में बढ़ जाती है और इस प्रकार कोशिका जो है वो दो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। तो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन में कोशिका से मेन जो कोशिका है उससे डॉटर कोशिका सेल्स जो बनती हैं, पुत्री कोशिकाएं जो बनती हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? गोल्गी बॉडी। क्योंकि कोशिका में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है उसमें के दौरान सेल प्लेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्गी बॉडी। प्रोटीन का सीक्रेशन करना, प्रोटीन जो है उसका स्राव, सीक्रेशन का मतलब बनाना, प्रोटीन का स्राव इसके द्वारा होता है। इसके बाद स्रावी कोशिकाएं जो पाई जाती हैं शरीर के अंदर पाई जाने वाली स्रावी कोशिकाएं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के स्राव का सीक्रेशन होता है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कोशिका की जैविक क्रियाओं में। तो उनके उन कोशिकाओं में इनकी संख्या ज़्यादा होती है, इस वजह से उनके द्वारा स्रावित होने वाले जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा भी ज़्यादा होती है। स्रावी कोशिकाएं जैसे अग्नाशय कोशिका जो होती हैं उनमें इसकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला जो पदार्थ है अग्नाशयी रस, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। श्लेष्म कोशिकाएं, इसके द्वारा श्लेष्मा का स्राव जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से गोल्गी बॉडी जो है उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी, किसने खोज की, कब की, कहाँ सबसे पहले उसको देखा गया, किस नाम से उसको जाना जाता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती और इसका कारण क्या है, और इसके फंक्शंस जो है वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर। थैंक यू।